सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ कैरेटिन, वो भी भिंडी के साथ। लेडी फिंगर की हेल्प से मैं करूँगी आज कैरेटिन। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाला कैरेटिन ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पर, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए भिंडी। यहाँ पर मैंने 7-8 भिंडीज ली है, उसको मैंने रफली चॉप करके पानी के अंदर डाल के उसको बॉईल कर लिया था। भिंडी को आपको पानी के अंदर ना 10 मिनट्स तक बॉईल करना है। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसको मिक्सर ग्राइंडर में आपको डाल के पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इस मिक्सर को आपको अच्छे से मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड हो जाने के बाद कोई सा भी सिंथेटिक क्लॉथ या फिर कोई भी छन्नी वन्नी में आपको ये पेस्ट को छान लेना है, ताकि इसमें से जितना ही पेस्ट है वो निकल जाए, बाकी जो भिंडी के पीसेस हो वो सारे छन्नी में आ जाए। तो उस पेस्ट को आपको निकाल लेना है दूसरे कंटेनर में। उसके बाद आपको लेना है कॉर्न फ्लावर जो होता है ना, उसकी स्लरी बनानी है कॉर्न स्टार्च की, उसको इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद अपना कोई सा भी हर्बल ऑयल आप इसमें, यहाँ आपका कैरेटिन मास्क जो है रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा पेस्ट इसका बन चुका है। तो इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ और ऐड करी थी बाद में, वो था ये एल्प्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें मैंने 5 to 6 ड्रॉप्स ऐड करे थे। इसको डालने के बाद ना थोड़ा पेस्ट की फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा बेकार, क्योंकि भिंडी की स्मेल थोड़ी सी अजीब होती है, वियर्ड स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, बट इसको ऐड करने के बाद ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो गई थी इस मास्क की। एंड लुक एट द टेक्स्चर ऑफ दिस मास्क, कितना ज़्यादा चिपचिपा सा था, बट कोई नहीं, बालों में लगाना बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ब्लेडी फिंगर के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये हमारे फ्रिजी हेयर को भी स्ट्रेट करता है, साथ के साथ जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है अगर वो इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ी कर्ल को भी हेल्दी बनाएगा, बाउंसी कर्ल्स कर देगा। तो इस मास्क को ना सिर्फ मैं अपने हेयर की लेंथ पे लगा रही, रूट्स पे नहीं लगा रही। किसी किसी को ना इरिटेशन हो जाती है, तो मुझे स्कैल्प पे बहुत जल्दी इरिटेशन होती है, तो उसको मैंने अपनी स्कैल्प पे नहीं लगाया, इसको सिर्फ मैंने अपने हेयर की लेंथ पे लगाया था। तो पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करके इसको फिर मैं अच्छे से इमल्सीफाई करूँ, ताकि एक एक बालों पर ये मास्क लगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर लग गया, नीचे के बाल मेरे कवर ही नहीं हुए। जितना अच्छा आप इसको मास्क लगाओगे ना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस मास्क का। अप्लाई करने का देखो मैं कितने अच्छे तरीके से इसको इमल्सीफाई कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो इस मास्क को लगाने के बाद ना आपको अपने हेयर को 1 आवर के लिए छोड़ देना है ऐसा बन बना कर। तो वन आवर हो जाने के बाद ना मैंने अपने हेयर को ओपन करा था और अपने बालों को वॉश कर लिया था। मैंने शैम्पू वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा था, क्योंकि मैंने शैम्पू पहले करा था उसके बाद ही मास्क लगाया था। तो मैंने ऐसे नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लिया था। तो वॉश हो जाने के बाद मैंने अपने हेयर को ब्लो ड्राई कर लिया था। ब्लो ड्राई के बाद मेरा रिजल्ट देख सकते हो आप सभी के सामने है। इस टाइम पर मेरे हेयर कितने ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंसी हो गए थे और बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं थी हेयर के अंदर। मैंने अपने हेयर पे कुछ भी नहीं लगा रखा है इस टाइम पर, नॉट इवन अ सिरम, तब भी मेरे हेयर कितने ज़्यादा शाइन कर रहे थे इस टाइम पर। और मेरे हेयर ना इस टाइम पर इतने ज़्यादा बाउंसी हो गए थे, अब देखो बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं अटक रहा मेरे बालों के बीच में। यही पहचान होती है बाउंसी हेयर की और हेल्दी हेयर की। तो मुझे ये मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। बाकी अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और DIY मास्क या फिर कोई होम रेमेडीज स्किन के लिए, हेयर के लिए लाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।